हेल्प ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में देख रहे थे लॉज ऑफ मोशन, उसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी शॉ हाँ थोड़ा सा हमने देखा था और भी हम देखते हैं आगे। लेटेस्ट से यहाँ से देखना है हमें, लेटेस्ट से इसके पहले तक हमने देखा था। लेटेस्ट कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंसेज कनेक्टेड टूगेदर एज शोन इन फिगर 9.10। ये स्प्रिंग बैलेंसेज हैं, ठीक है ना, ऐसे कनेक्ट किया गया है, ध्यान से देखिए। द फिक्स्ड एंड ऑफ बैलेंस बी इज अटैच्ड विथ ए रिजिड सपोर्ट, फिक्स्ड वाला जो है वो एक रिजिड सपोर्ट से ऐड किया गया है बी का, देख रहे हैं ना। उसके बाद क्या किया जा रहा है, ध्यान से देखते चलना होता क्या है। लाइक ए वॉल, दीवार की तरह है वो। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड थ्रू द फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ए, इट इज ऑब्जर्व दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेज शो द सेम रीडिंग्स ऑन देयर स्केल्स। अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है फ्री एंड से, किसके, बैलेंस ए के, बैलेंस ए का फ्री एंड ये है क्योंकि यहाँ से तो फिक्स है ये पहले से ए का, तो ए का फ्री एंड यहाँ से अगर यहाँ से खींचा जा रहा है या कोई प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है तो ए और बी में सेम रीडिंग आ रही है, इसमें और इसमें सेम रीडिंग आ रही है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग, इट इज़ ऑब्जर्व दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेज शो द सेम रीडिंग ऑन देयर स्केल्स, इट मीन्स दैट द फोर्स एग्जर्टेड बाई स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन बी इज इक्वल टू द अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एग्जर्टेड बाई द बैलेंस बी ऑन द बैलेंस ए। ऑब्वियसली यस, यहाँ से हमने फिक्स कर दिया बी को, अब यहाँ से ए से जो भी जैसा ही फोर्स बी पे लगाएंगे वही बी पे ए पे भी लगाएगा, इसलिए रीडिंग जो होगी दोनों की इक्वल आएगी फोर्स की, बात समझ में आ रही ना बात। एनी ऑफ दीज टू फोर्सेज कैन बी कॉल्ड एज एक्शन एंड अदर इज रिएक्शन, हाँ इसमें से किसी को भी हम एक्शन कह सकते हैं, किसी को भी रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है ना। दिस गिव्स अस एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज व्हाट, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। हाउएवर इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली, ये बात हमने आपको क्लास में भी बताई थी ऑफलाइन मोड में भी, और ये भी जान लीजिए कि एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली, एक साथ जो है एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है। जैसे मान लीजिए ये बॉल है, इसको मैं ढकेल रहा हूँ, ये मेरा एक्शन है और रिएक्शन इसका जस्ट अपोजिट होगा, एक्शन मेरे हाथ के द्वारा वॉल पे है और रिएक्शन वॉल के द्वारा मेरे हाथ पे है, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए हाथ और वॉल और साइमल्टेनियसली अलग अलग डायरेक्शन, या यू कैन से अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। ये हमने देखा ये इसके बारे में थोड़ा सा। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट, मान लो हम रेस्ट में खड़े एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन ए रोड, रोड पे मतलब वॉक करने के लिए तैयार है एक तरीके से। यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर्स ए फोर्स इन अकॉर्डेंस विद द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आपको एक्सेलरेशन चाहिए बढ़ने के लिए ना, एक्सेलरेट होने के लिए, तो इस हिसाब से आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है एफ इज इक्वल एम ए, तो आपको अगर एक्सेलरेशन चाहिए आपको तो ये फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आ रही होगी मेरी, नहीं आ रही है तो आस्क, विच इज़ दिस फोर्स, इट इज इट द मस्कुलर एफर्ट यू एग्जर्ट ऑन द रोड, इज इट इन द डायरेक्शन वी इंटेंड टू मूव, नो, यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड्स, द रोड एग्जर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड। देखिए होता क्या है, जैसे हम रोड पर खड़े, मान लीजिए हमारा पैर है, तो हम क्या करते हैं इस पर बैक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इस डायरेक्शन में रोड को ढकेलते हैं पैर से, तो रोड हमको क्या करता है आगे की तरफ ढकेलता है और हम आगे मूव कर जाते हैं, बात यही कही जा रही है, ठीक है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दीज फोर्सेज मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, ये आपको बिल्कुल जानकारी में होनी चाहिए, बिल्कुल ही पता होना चाहिए कि ऐसे फॉर एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल अभी छोड़ दें आप, यहाँ इस लाइन का कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो दो बॉडीज़ हैं, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, एक्शन रिएक्शन में क्या होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब जितना ये वाला इस पे लगाएगा ये वाला इस पे भी फोर्स उतना ही लगाएगा, लेकिन फोर्स इक्वल लगाने का मतलब, एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाने का मतलब ये कहीं नहीं होता है कि ये वाला जितना इसको एक्सेलरेट करेगा ये वाला भी इसको इतना ही एक्सेलरेट कर दे,
मेरी बात समझ में आ रही होगी कि फोर्स इक्वल लगाने का मतलब, एक एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो एक ट्रक खड़ा है और एक मैं खड़ा, मतलब मैं या कोई बंदा खड़ा है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, ठीक है ना, और तो ट्रक भी हमारे ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगा। अब मैं ठहरा छोटा, ट्रक ठहरा बड़ा, तो अब बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना फोर्स, तो हम बराबर लगाएंगे, जितना हम लगाएंगे उतना ट्रक भी लगाएगा, लेकिन ट्रक बहुत कम एक्सेलरेट होगा, हम हो सकता है कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से पीछे की तरफ जाएँ। बात समझ में आ रही है ना? तो फोर्स होने का, एक्शन इक्वल होने के बराबर बराबर होने का ये कहीं मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन भी दोनों ऑब्जेक्ट में बराबर होगा। ओके, इट डिपेंड्स ऑन मास, वी विल सी फर्दर। ओके, एक सेकेंड बेटा, दिस इज बिकॉज वही इस फोर्स एक्शन एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव डिफरेंट मास। हम आपको समझाते हैं, देखिए एफ इज इक्वल एम ए होता है, बात समझ में आ रही है। अब फोर्स बराबर लगाने का मतलब ये हुआ, ये कहीं नहीं हुआ क्योंकि ए भी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि मास, अगर यहाँ से ए देखेंगे, ए इज इक्वल एफ बाई एम होगा, आप ध्यान से देखना, ए इज इक्वल एम होगा, बात समझ में आई। अब फोर्स तो हमारा बराबर है, यानी कि फोर्स फिक्स हो गया। अब ए टोटली किस पे डिपेंड होगा, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड होगा, मास पे, यानी कि मास जिसका ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। एग्जांपल हमने बताया था ट्रक, ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, फोर्स बराबर भले है लेकिन एक्सेलरेशन उसमें कम होगा क्योंकि मास उसका ज़्यादा है। मैं था वहाँ, आदमी खड़ा था कोई मान लो, तो उसका मास ट्रक की तुलना में कम है, जब ये कम होगा तो एक्सेलरेशन अपने आप ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। बात समझ में आ गई ना? तो डिपेंड्स ऑन मास ओनली, हाँ, फोर्स बराबर होने के बाद भी एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, ठीक है। अच्छा, व्हेन अ गन इज फायर, इट एग्जर्ट फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, बुलेट पे फॉरवर्ड फोर्स लगाता है गन, द बुलेट एग्जर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन, बुलेट भी गन पे लगाता है जरूर है, दिस रिजल्ट्स इन द रिकॉइल ऑफ द गन, रिक्वायरिंग होती है गन की, ठीक है ना, सिंस द गन हैज़ ए मच ग्रेटर मास, अब पूरा गन का मास गोली की तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ द गन इज मच लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, बुलेट बहुत छोटा है तो इसका एक्सेलरेशन बहुत तेज़ी से होता है, मा और ये पूरा गन जो है मास इसके मतलब बुलेट की तुलना में बड़ा है, मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन इसका कम होता है, उसी फार्मूले से हम देख लेंगे। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलस्ट्रेटेड व्हेन ए सेलर जंप्स आउट ऑफ ए रोइंग बोट, कई एज अ सेलर जंप्स फॉरवर्ड द फोर्स ऑन द बोट मूव्स इट बैकवर्ड्स, हम देखते हैं, ठीक है ना, अगर जंप लगाता है नाव से कोई बंदा, तो जब जंप लगाता है तो नाव को पीछे की तरफ ढकेलता है, तो जैसे वो आगे की तरफ कूदता है तो नाव पीछे की तरफ जाती है, एक्शन रिएक्शन वहाँ भी होता है, ठीक है ना भाई। देखो, एज द सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव्स बैकवर्ड्स, ओके सी, अब जो है नाव विल सी वॉट, नथिंग विल सी, आप अब चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस एक्टिविटी से देखेंगे, एक्टिविटी 9.4 एंड देन विल एक्टिविटी 9.4 एंड देन विल स्टडी अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देन विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स एंड गो अहेड, ठीक है, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क, थैंक्स।